मैथ्स में फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई का चैप्टर समझाऊंगा। सब्जेक्ट है मैथ, क्लास फोर्थ, चैप्टर सिक्स, टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई में आपको कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 12 हम ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 इज इक्वल टू 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 ही आएगा। 12 इक्वल टू 1 के बाद आती है 2 की टेबल, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6। 12 इज इक्वल टू 2 के बाद आती है आपकी 3 की टेबल, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4। 3 के बाद आती है 4 की टेबल, तो 4 तो आपको यहाँ आएगा, इसको यहीं स्किप कर देंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 के और फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 and 12, 4, 6 and 12, दैट इज आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। फर्स्ट आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन समझ आएगा। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के और फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 इज इक्वल टू 1, 1 से 15 को डिवाइड करेंगे 15 ही आएगा, 15 बन गया 15। 15 2 की टेबल 15 नहीं आता है, 3 की टेबल नहीं आता है, 3, 5 जा 15। 4 की टेबल में 15 नहीं आता है, 5 तो आपका यहाँ आ गया, इसके लिए स्किप कर देंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 ऑल फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 3, 5, 15 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, से हम आप टू नंबर्स लेंगे, ये वन नंबर्स कहते हैं, टू नंबर्स के लेंगे क्वेश्चन थर्ड। All find all factors of 12 and 16. 12 and 16 के all factors find करेंगे। पहले हम 12 के, उसके बाद 16 के। 12 and 16, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे 4, इसके बाद 4 की टेबल आएगी तो 4 तो हमारा यहाँ हो गया, अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। 16 फैक्टर्स करेंगे, 1 into 16, 16 2 से डिवाइड करेंगे 2 into 8, 16 3 की टेबल में आएगा नहीं, 4, 4 जब 16, जब 4 यहाँ डबल आ गया तो उसको ही स्किप कर देंगे, आगे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 के और फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 and 12, 4, 6 and 12, ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 के और फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 1, 2, 4, 4 टू टाइम्स दे रखा है, हम इसमें से एक ही टाइम लेंगे, एक को हम स्किप कर देंगे। 8 and 16, 8 and 16। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन से आपको फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 and 20, 10 and 20 के ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 10 के और यहाँ 20, 10 इज इक्वल टू
वन इंटू टेन, टेन इक्वल टू टू, टेबल में आता है टू इंटू वन, इसके आगे नहीं होंगे फैक्टर्स। ट्वेंटी इज इक्वल टू वन इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी इज इक्वल टू टू इंटू टेन, ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर इंटू फाइव, फोर के बाद फाइव टेबल आती है, फाइव इधर आ गया तो उसको यहीं स्किप कर देंगे। ऑल फैक्टर ऑफ टेन इज इक्वल टू ऑल फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी, टेन के फैक्टर्स वन टू फाइव टेन, वन कॉमन टू फाइव एंड टेन, ट्वेंटी के ऑल फैक्टर्स वन टू फोर, वन टू फोर फाइव टेन ट्वेंटी, फाइव टेन एंड ट्वेंटी। अब हम फाइंड करेंगे टू कॉमन फैक्टर्स, टू नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसको रफ करने के बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फाइव, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन एंड ट्वेंटी, फिफ्टीन एंड ट्वेंटी के ऑल कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। पहले हम फिफ्टीन के फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद ट्वेंटी के फैक्टर्स करेंगे। 15 एंड 20, 15 के 15 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो इक्वल टू क्या है 15, 15 को फैक्टर करेंगे 3 इंटू फाइव, 20 के फैक्टर्स करेंगे 20 इक्वल टू 1 इंटू 20, 20 2 इंटू 10, 20 इक्वल टू 3 टेबल मारते नहीं 4, 4 5 में 20, 4 के बाद 5 टेबल आती है तो 5 आ गए तो इसको करेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के ऑल फैक्टर्स क्या है 1, 3, 5, 15, 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 15, ऑल फैक्टर्स ऑफ कितने 20, 20 ऑल फैक्टर्स कितने होंगे 1, 2, 4, 1 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 5, 10, 20, 5, 10, 20। फाइंड क्या करना है हमें, ऑल कॉमन फैक्टर, ऑल कॉमन फैक्टर 15 एंड 20 इक्वल टू क्या कॉमन है, अपन कॉमन और 5 कॉमन, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 1 एंड 5, 1 कॉमन 5। या मैंने 5 क्वेश्चंस आपको कराए, कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में लेते हैं आज, वो आपको घर पे करने हैं। होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 60, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 25, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25, फोर्थ क्वेश्चन से फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर, जो मैंने फाइव क्वेश्चन करवाया था कॉमन फैक्टर फाइंड करना है ऑफ 25 एंड 30। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 16, मैंने पहला फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन करवाया तो स्टेप से करना है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ये भी ऐसे करना है सेम फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में आपको टू नंबर दे रखे हैं, इसको 20 को अलग फाइंड करना है, दोनों 25 को अलग फाइंड करना है, दोनों को एक साथ फाइंड करके। फोर्थ क्वेश्चन में ऑल कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है, जो मैंने फाइव क्वेश्चन करवाया था सेम उसी की तरह। नेक्स्ट पार्ट में आपको एस सी एफ कराएंगे, बताएंगे एफ सी एफ क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।